हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल ट्रेडिंग लैब पर। दोस्तों, आज मैं आपको समझाऊंगा कि निफ्टी की जो डायरेक्शन होती है, निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आने की कब चांसेस ज्यादा होते हैं, या फिर निफ्टी कब रैली ज्यादा कर सकता है, वो सारे जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस होते हैं और जो भी निफ्टी इंडिकेट करता है, वो सारी चीजें आपको आज मैं बताऊंगा। देखिए, ये मैं इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से नहीं बता रहा, लेकिन इसको आप इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से या स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से यूज कर सकते हैं। इसको मैं आपको डेली चार्ट्स पे दिखाऊंगा। देखिए, डेली चार्ट पे देखिए, मैं सारा कुछ अभी इसमें से हटा देता हूँ, और मैं देखिए सुपर ट्रेंड भी हटा देता हूँ। मैंने दो ही सिर्फ यहाँ मूविंग एवरेज रखी हुई है। मैं निफ्टी 50 का ग्राफ ले लेता हूँ, और देखिए यहाँ पे निफ्टी जब जो है निफ्टी अभी 10,490 से करेक्ट होना स्टार्ट हुआ, और 10,490 से देखिए अभी यहाँ इसने 10,131 का लो बनाया, अंदाजन 300 पॉइंट्स की करेक्शन आई है। तो देखिए, निफ्टी जो है इस समय करेक्टिव मोड में है, और ये काफी अच्छी करेक्शन दे चुका है। तो देखिए, जब भी निफ्टी ओवरबॉट, देखिए कोई भी स्टॉक जो होता है वो भी ओवरबॉट हो जाता है या ओवरसोल्ड हो जाता है डेली चार्ट पे, इसी तरीके से निफ्टी भी ओवरबॉट या ओवरसोल्ड होता है। और उसको किसी इंडिकेटर के नजरिए से हम नहीं देखेंगे, हम उसको देखेंगे निफ्टी की पी रेशियो के नजरिए से। देखिए, मैंने पी रेशियो आपको पहले बताया है, जिन व्यूअर्स को पी रेशियो नहीं पता है वो मेरा पी रेशियो का वीडियो देख सकते हैं कि पी रेशियो होती क्या है। मैं ब्रीफली जो है आपको पी रेशियो समझा देता हूँ। देखिए, पी रेशियो होती है जिसमें कि प्राइस टू अर्निंग्स की रेशियो होती है, और इसको मोटे तौर पे अगर हम अभी समझें शॉर्ट में, तो पी रेशियो जो होती है वो बताती है कि कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स जो है वो कितना एक्सपेंसिव है या कितना चीप है, मतलब वो कितना आपको महंगा मिल रहा है या कितना सस्ता मिल रहा है। तो एक तरह से ये ओवरबॉट और ओवरसोल्ड की कंडीशंस भी बताती है। तो देखिए, निफ्टी के मैंने ये काफी सारे चार्ट्स खोले हुए हैं, काफी सारे मैंने लिंक्स खोले हुए हैं, जहां पे निफ्टी का जो पी होता है वो डायरेक्टली प्लॉट है। तो ये मेरे पास देखिए, ये अच्छा मुझे लिंक लगा, equityfriend.com एक साइट है, इस पे मुझे काफी अच्छा लिंक लगा। इसमें देखिए निफ्टी के पी रेशियो के बारे में इसने पूरा बताया है कि जैसे पर्टिकुलर स्टॉक का हम पी देखते हैं, वैसे हम निफ्टी का भी पी देख सकते हैं। उसका मतलब ये होता है कि कोई भी इन्वेस्टर जो है वो 1 रुपया कमाने के लिए कितने पैसे देने को तैयार है, निफ्टी पी रेशियो वो इम्प्लाई करती है। तो मतलब अगर पी जितना ज्यादा होता चला जाता है, तो 1 रुपये, तो जितना पी आपका ज्यादा होता चला जाता है, उतना ही कोई भी स्टॉक महंगा आपको मिल रहा है, और जितना पी सस्ता होता चला कम होता चला जाता है, उतना ही आपको कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स सस्ता मिल रहा है। तो महंगे और सस्ते की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन जो भी टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस यूज करते हैं, उन्होंने कुछ एक पैरामीटर्स रखे हैं कि निफ्टी अगर 20 के ऊपर चला जाता है तो वो एक एक्सपेंसिव कैटेगरी की तरफ बढ़ रहा है, और निफ्टी अगर 10 सॉरी पी रेशियो जो है वो 10 से नीचे आपको मिल रहा है किसी भी स्टॉक में या इंडेक्स में, तो वो एक चीप, मतलब सस्ते कैटेगरी में आ जाता है। तो इस चीज का कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगी कि कितना जो है वो सस्ता है। एक रेंज डिफाइन करते हैं हर एनालिस्ट, हर टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिस्ट जो भी एनालाइज करते हैं मार्केट को, वो एक रेंज डिफाइन करते हैं पी रेशियो की। उसको एक सेक्टर से भी कंपेयर करा जाता है। निफ्टी का पी जो है आपको और जो मार्केट्स हैं वर्ल्ड में, जैसे कॉस्पी कोरिया की मार्केट है, हैंगसेंग जो है चाइना का है, तो ऐसे सारे जो भी इंडेक्सेस हैं उन सारे इंडेक्सेस से भी उनके पी को कंपेयर किया जाता है, और निकाला जाता है कि इस समय जो है कौन सी मार्केट जो है सबसे ज्यादा चीप है और कौन सी मार्केट सबसे ज्यादा महंगी एक्सपेंसिव है। तो जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, HNIs होते हैं, वो इसी तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। तो इसको आसानी से देखने का, निफ्टी को देखने का एक यही तरीका, एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप पी रेशियो को डायरेक्टली देख लें। तो देखिए, यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया है कि अगर वैल्यू इन्वेस्टिंग, अगर आपको मान लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना है, मतलब 6 महीने से 1 साल 2 साल 3 साल के लगाना है, तो आप पी रेशियो जरूर देखोगे। तो जब भी देखिए, यहाँ पे इन्होंने कैटेगरीज डिफाइन करी हैं। पी रेशियो जब भी 25 से 30 के बीच में होती है, तो वो बहुत ही रेयर इवेंट है, बहुत ही रेयर होता है कि 25 से 30 के बीच में पी चला जाए निफ्टी का, और वहां पे सेल करना बनता है, वहां पे शॉर्ट पोजीशंस लेना बनता है। अगर आपके पास कोई पहले से लॉन्ग पोजीशंस है, तो आपको वो लॉन्ग पोजीशंस एग्जिट कर देनी चाहिए
और आपको शॉर्ट पोजीशन, आपको वहां से शॉर्ट पोजीशंस में आ जाना चाहिए। अगर आप पोर्टफोलियो है आपका, तो आपको यहाँ पर सारे अपने पोर्टफोलियोज से निकल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी स्क्रीमिंग सेल होता है। शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढनी चाहिए। अब अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं, स्विंग कर रहे हैं, तो आपको भरमार में यहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अगर 20 से 25 के बीच में है, वो एक्सपेंसिव कैटेगरी में है, और यहाँ पे आपको 80% प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। 20% आप होल्ड करके रखिए और एक बेटर एंट्रीज मिलने हैं। और 15 से 20 के 20 के बीच में है, तो बाय और होल्ड, यहाँ पे अगर आप बाइंग भी स्टार्ट कर सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं जो आपके पास एग्जिस्टिंग पोजीशंस है, क्योंकि निफ्टी यहाँ पे अभी बीच में है ना, वो सस्ता हुआ है ना महंगा। और 12 से 15 अगर पी है निफ्टी का, तो वो इनएक्सपेंसिव कैटेगरी में है, वहाँ स्क्रीमिंग बाय है। यहाँ पे आपको स्टॉक्स बाय करने चाहिए, पोर्टफोलियो के लिए पोजीशंस बनानी चाहिए, स्विंग ट्रेड्स ढूंढने चाहिए। स्विंग में मैं नहीं कहूंगा, आपको थोड़े लॉन्ग टर्म वाले ट्रेड्स ढूंढने चाहिए, क्योंकि निफ्टी का पी फिर जो है 12 से अगर 15 के बीच में है, तो वो एक एक्सपेंसिव कैटेगरी में मूव करने में महीनों लग जाते हैं, मंथ्स लग जाते हैं। और एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव अगर 12 के नीचे है, तो ये रेयर इवेंट होता है दोस्तों। यहाँ पे तो स्क्रीमिंग बाय है, यहाँ पे तो आपको पोर्टफोलियो के लिए स्टॉक्स आपको सस्ते से सस्ता मिलेगा। तो जो भी एनालिस्ट होते हैं, वो ऐसी मार्केट से ढूंढते हैं जहां पे कि वो इनएक्सपेंसिव टू एवरेज के बीच में भी मिल जाए, क्योंकि इस समय कोई भी मार्केट जो है वो इनएक्सपेंसिव या एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव नहीं है। तो यही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, 2008 में जब मार्केट में क्रैश आया था, स्टॉक मार्केट क्रैश हुई थी अक्टूबर के आसपास, तो देखिए सबसे निफ्टी का पी उस समय 2008 में के स्टार्टिंग में 28 के ऊपर पहुंच गया था, और 28 के बाद से इतनी शार्प करेक्शन आई थी कि देखिए 2009 तक आते आते निफ्टी का पी जो है वो निफ्टी का पी 10 के नीचे रह गया था। और यहाँ पे स्क्रीमिंग बाय अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई थी, और यहाँ पे सेल की अपॉर्चुनिटीज थी कि जो भी आपके पास पोर्टफोलियो है वहां से निकल जाइए। और अभी भी देखिए यही हुआ है। यहाँ देखिए निफ्टी का पी 26, 2 नवंबर, ये इसी 2 नवंबर 2017 के आसपास निफ्टी का पी 26 के आसपास, 26.63 अंदाजन 27 के आसपास ही पहुंच गया था। और यहाँ पे देखिए शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है। तभी जो है, अगर आप कहीं भी ब्लॉग्स चेक करेंगे, कहीं भी इकोनॉमिक टाइम्स चेक कर लीजिए, मनी कंट्रोल, वहां पे अभी राकेश झुनझुनवाला जी, जो बहुत बड़े इन्वेस्टर माने जाते हैं हमारी स्टॉक मार्केट के, उनकी उनका भी उनकी भी स्टेटमेंट आई है कि निफ्टी यहाँ से क्रैश हो सकता है, और नई पोजीशन, पोर्टफोलियो की पोजीशंस बिल्ड कर मत कीजिए इस समय। और जो लोग इंट्राडे कर रहे हैं, जो ट्रेडर्स इंट्राडे में हैं, वो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज पे ही ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, और जब निफ्टी देखिए कितना करेक्ट किया था, 2008 में जब क्रैश आया था, 6070 से 3000 के आसपास आ गया था, 50% निफ्टी करेक्ट कर गया था। तो अभी भी उम्मीद है कि निफ्टी में करेक्शन आने की, क्योंकि पी रेशियो बहुत ज्यादा 26 के ऊपर पहुंच चुका है, और निफ्टी इस समय बिल्कुल लबालब जो है ओवर बॉट हो चुका है। यहाँ पे कोई भी आप, अगर अगर आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग की बात करें, वैल्यू इन्वेस्टिंग की, लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो बिल्कुल भी बिल्ड मत करना, निफ्टी को करेक्ट होने दो। देखिए करेक्शन आएगी कैसे, मैंने पहले भी आपको बताया, अपने वीडियोज में फिबोनाची लगा सकते हैं आप। देखिए ये मूव आई थी, यहाँ पे देखिए 50% का रिट्रेसमेंट लिया निफ्टी ने अभी कल, और यहाँ 50% से देखिए ये एक साइन बना है रिवर्सल का, और देख सकते हैं कि ये रिवर्सल आएगा या नहीं। ये देखिए, ये तो कह नहीं सकते कि ये शॉर्ट टर्म जो है पुल बैक आ रहा है डाउन ट्रेंड में, या फिर ये एक इस ट्रेंड का एक जो है करेक्टिव फेज है, तो ये चीज नहीं कह सकते। लेकिन पी रेशियो को अगर हम देखें, तो पी रेशियो आपको सिंपल टर्म्स में यही बता रही है कि इस समय निफ्टी जो है ओवरबॉट था, और निफ्टी यहाँ से करेक्ट करने की संभावना बहुत ज्यादा है। संभावनाओं का खेल है मार्केट, 50% से ज्यादा किसी चीज की प्रोबेबिलिटी हो, तो उसी के फेवर में हमें रूलिंग करनी पड़ती है, उसी के फेवर में ट्रेड लेना पड़ता है। इसमें देखिए पी टू बी रेशियो भी है, ये मैं आगे कवर करूंगा। निफ्टी डिविडेंड यील्ड भी है, डिविडेंड यील्ड से भी हम पता लगा सकते हैं, ये आने वाले वीडियोस में कवर करूंगा। अभी के लिए आप निफ्टी के पी रेशियो पे फोकस कीजिए। हाँ, और एक और लिंक है, देखिए एनएससी इंडिया का लिंक है, इसमें आप हिस्टोरिकल पी निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको निफ्टी निफ्टी का 2010 से लेके देखिए, यहाँ तो आप जो 2008 से 8 का ही पी निकालना है, पी बी और डिविडेंड यील्ड निकालना है, तो यहाँ पे ये डायरेक्ट निकल जाता है एनएससी की साइट पे। लेकिन देखिए, ये अगर आप कोई फॉर्मूला लगा रहे हैं, या फिर आप कुछ
कुछ अपनी कैलकुलेशंस कर रहे हैं उसके लिए अच्छा है, लेकिन यहाँ देखिए ये इक्विटी फ्रेंड की साइट है, इस पे डायरेक्टली चार्ट अवेलेबल है, चार्ट में ही आप देख सकते हैं कि निफ्टी का पी इस समय कहाँ है। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आप देखिए हर चीज, हर मार्केट का हर पहलू स्टडी कीजिए, मार्केट को ओवरऑल समझने की कोशिश कीजिए। इंट्राडे में छोटे टाइम फ्रेम्स होते हैं, सिर्फ इंट्राडे के पीछे बिल्कुल भी मत भागिए, क्योंकि ठीक है इंट्राडे कीजिए कुछ, लेकिन पोर्टफोलियो जो है वो वेल्थ जनरेशन के लिए होता है। पोर्टफोलियो से आपका लॉन्ग टर्म ऐसा स्टॉक पोर्टफोलियो जो है आपको वो सब दे सकता है जो इंट्राडे नहीं दे सकता। इंट्राडे इनकम जनरेशन के लिए ठीक है कि मंथली बाय मंथली इनकम होती है, लेकिन वेल्थ जनरेशन अगर आपको करना है तो अगर 1 रुपए का स्टॉक जो है वो 10 रुपए होगा तो वो पोर्टफोलियो में ही होगा। इंट्राडे में आप छोटी सी मूव उसका आधा परसेंट कुछ कैप्चर कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो डेली चार्ट को दिमाग में रखिए, निफ्टी का डेली चार्ट जो है जरूर देखिए डेली की, उसमें क्या चल रहा है, क्या रिट्रेसमेंट पे आया है, क्या चीज होने की चांसेस ज्यादा है, कितना बुलिश है कितना बियरिश है, इस पे देखिए इंडिकेटर्स लगाइए। इंडिकेटर लगाना ठीक है, देखिए मैंने 2 मूविंग एवरेज लगाई है 8 और 34 की, ये इंट्राडे में भी अच्छी चलती है और ये जो है आपका डेली चार्ट पे भी अच्छी चलती है। देखिए निफ्टी जो है प्राइस नीचे चला गया, लेकिन मूविंग एवरेज जब तक नीचे नहीं गई है तब तक हम ये नहीं कहेंगे कि ये डाउन ट्रेंड में आया है। तो शॉर्ट टर्म प्राइस जो है वो 34 को ब्रेक करके नीचे गया, लेकिन जब तक मूविंग एवरेज सपोर्ट लेके मूविंग एवरेज नीचे नहीं आई है तब तक वो ट्रेंड इंटैक्ट है, ट्रेंड ब्रेक नहीं हुआ है। तो मूविंग एवरेज एक तरह से आपको सिंप्लीफाई कर देती है। तो आप ऐसे एनालाइज जरूर कीजिए डेली के डेली निफ्टी को, और इसको और स्टडी कीजिए निफ्टी के पीई को, और इसको दिमाग में जरूर रखिए दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना दोस्तों, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए बहुत अच्छी से अच्छी चीजें लेके आऊँ दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।